नमस्कार स्टूडेंट, आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पोषण, बैक्टीरिया के अंदर पोषण। तो जो बैक्टीरिया के अंदर पोषण होता है वो तीन प्रकार से होता है, एक तो ऑटोट्रॉप्स और एक एटोट्रॉप्स और तीसरा सिम्बायोटिक। जो ऑटोट्रॉप्स यानी स्वयंपोषी, ऐसे बैक्टीरिया जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर सके, ये अपने भोजन का निर्माण के अंदर प्रकाशीय ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा को उपयोग में लेते हैं। इसी प्रकार दूसरा है विषमपोषी। जो विषमपोषी बैक्टीरिया होते हैं वो अपना पोषण या तो मृत कार्बनिक पदार्थ से या फिर जीवित ऑर्गन से ग्रहण करते हैं। और सिम्बायोटिक के अंदर ऐसे बैक्टीरिया जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन पदार्थ, इनसे अपनी ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जैसे एमिनोमल नाइट्रेट अमोनिया लवणों में परिवर्तित करके। इसका एग्जाम्पल है राइजोबियम बैक्टीरिया। जो लेग्यूम की जड़ों के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, ये जब नाइट्रोजन स्त्रिंग करता है तो इसके अंदर नाइट्रोजन से अमोनिया, अमोनिया से नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट करता है। तो ये पूरा प्रोसेस ऑक्सीकरण का प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे अमोनिया की ऑक्सीजन अवस्था 0 और नाइट्राइट के अंदर ऑक्सीजन अवस्था +5। तो ऑक्सीकरण के अंदर जो ऊर्जा रिलीव मुक्त होती है, इससे अपने भोजन का निर्माण करता है या ऊर्जा का संग्रहण करता है। अब ये पहला प्रोसेस है स्वयंपोषी। स्वयंपोषी को ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी स्रोत, यानी ऊर्जा के स्रोत के आधार पर स्वयंपोषी को हम दो भागों में बांट सकते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स और केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। जो फोटोसिंथेटिक यानी प्रकाश संश्लेषी स्वयंपोषी, और दूसरा है रसायन संश्लेषी स्वयंपोषी। तो हम पहले पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश संश्लेषी स्वयंपोषी। प्रकाश संश्लेषी स्वयंपोषी अपने भोजन के निर्माण प्रकाश के द्वारा करते हैं, लेकिन जो रसायन संश्लेषी होते हैं, रसायन संश्लेषी स्वयंपोषी, ये अपने भोजन के निर्माण के लिए प्रकाश के ऊपर निर्भर नहीं रहते, ये रसायन के ऊपर निर्भर रहते हैं। जीवाणु फोटोसिंथेसिस नॉन ऑक्सीजनिक होता है, अर्थात जो प्रकाश संश्लेषी जीवाणु होते हैं इनके अंदर फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन उत्पन्न नहीं होती। जो प्रथम बार ऑक्सीजन उत्पन्न होती है वो नील रित शैवाल यानी साइनोबैक्टीरिया ने ऑक्सीजन एक फोटोसिंथेसिस किया था। जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण के लिए यहाँ पे H2 आयन की आवश्यकता होती है। ये H2 आयन डोनर यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फेट, H2S, थायोसल्फेट या फिर आइसोप्रोपाइल एल्कोहल या फैटी एसिड होता है। जो फोटोसिंथेसिस के अंदर रिएक्शन होती है 6CO2 +12H2O से यानी ग्लूकोज का निर्माण होता है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो यहाँ पे जो ये बैक्टीरिया थे, यू बैक्टीरिया, यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण में H2 के स्थान पे H2S का यूज करते थे। तो इनके अंदर यानी ऑक्सीजन के स्थान पर सल्फर रिलीज होती थी, क्योंकि जो प्रथम बार ऑक्सीजन ने फोटोसिंथेसिस किया था वो साइनोबैक्टीरिया ने किया था। साइनोबैक्टीरिया ने फोटोसिंथेसिस के अंदर पहली बार H2O का यूज किया था। ये प्रकाश संश्लेषी स्वयंपोषी तीन प्रकार के होते हैं, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, तीसरा है पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होते हैं इसके एग्जांपल है क्लोरबियम एम थायरिक्स, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के एग्जांपल है क्रोमेटियम, और जो पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया के एग्जांपल है रोडोस्पायरलम एंड रोडोमोनास। अब जो दूसरी प्रक्रिया है रसायन संश्लेषी स्वयंपोषी, इसके अंदर ये प्रकाश संश्लेषी जीव, इनके अंदर प्रकाशीय वर्णक अनुपस्थित होता है। तो ये अपना भोजन का निर्माण रसायनों के द्वारा करते हैं। भोजन का निर्माण के लिए रासायनिक ऊर्जा जो रासायनिक पदार्थ के ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण से प्राप्त होती है और अपना भोजन बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल है नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया यानी नाइट्रोजन स्त्रिंग बैक्टीरिया। जो वायुमंडल नाइट्रोजन होती है इसको नीलरी शैवाल एवं राइजोबियम द्वारा अमोनिया के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब अमोनिया को नाइट्राइट के अंदर और नाइट्राइट को नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो अमोनिया को नाइट्राइट के अंदर तो कन्वर्ट करने के लिए नाइट्रोमोनास और नाइट्रोकॉक्स बैक्टीरिया, और नाइट्राइट को नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए नाइट्रोबैक्टीरियल बैक्टीरिया। अब इस प्रोसेस के अंदर ये पूरा प्रोसेस ऑक्सीकरण प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन के अंदर ऑक्सीकरण अवस्था 0 और नाइट्राइट के अंदर ऑक्सीकरण अवस्था +5 और नाइट्राइट के अंदर +3। तो ये पूरा प्रोसेस ऑक्सीकरण का प्रोसेस है। तो ऑक्सीकरण प्रोसेस के अंदर जो ऊर्जा रिलीज होती है, ये बैक्टीरिया उसी ऊर्जा से अपना भोजन का निर्माण करते हैं, इसीलिए इन बैक्टीरिया को रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया कहते हैं। जो दूसरी विधि है वो है विषमपोषी। तो इसके अंदर अधिकांश जीवाणु विषमपोषी होते हैं, ये भोजन का निर्माण नहीं कर सकते, ये अपना भोजन के लिए मृत कार्बनिक पदार्थ या जीवित के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो दो प्रकार के बैक्टीरिया रहेगी इसके आधार पर भी, एक तो जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल यानी मृत कार्बनिक पदार्थ से भोजन बनाते हैं, और एक जो
लिविंग होस्ट के ऊपर जीवन यापन करते हैं। तो मृत कार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन बनाते हैं, उनको हम से प्रोफाइटिक यानी मृतोपजीवी कहते हैं, और जो लिविंग होस्ट से अपना भोजन ग्रहण करते हैं उनको हम पैरासाइटिक यानी परजीवी कहते हैं। जो से प्रोफाइटिक होंगे वो सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से अपने भोजन का निर्माण करेंगे, और जो पैरासाइटिक होंगे वो अपना भोजन जीवित प्राणी से ग्रहण करेंगे। अब हम पहला पढ़ने जा रहे हैं मृतोपजीवी। मृतोपजीवी के दो प्रकार, एक तो होगा ओब्लिकेट से प्रोफाइटिक यानी अविकल्पी मृतोपजीवी, और दूसरा होगा विकल्पी मृतोपजीवी। जो अविकल्पी मृतोपजीवी है ये अपना भोजन हमेशा ही मृत कार्बनिक पदार्थ से ग्रहण करते हैं। यदि मृत कार्बनिक पदार्थ नहीं होगा तो इन बैक्टीरिया की मृत्यु हो जाएगी। अर्थात ऐसे बैक्टीरिया जो अपना भोजन हमेशा ही मृत कार्बनिक पदार्थ से ग्रहण करते हैं इनको हम पूर्णतः मृतोपजीवी भी कह सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है क्लोस्ट्रम बोटुलिज्म एंड बेसिलस वल्गेरिस। इसको याद रखने के लिए सीबी की बीवी, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिज्म एंड बेसिलस वल्गेरिस। जो दूसरा है विकल्पी मृतोपजीवी, ये सामान्यतः परजीवी होते हैं, लेकिन जब इनको होस्ट नहीं मिलता है तो ये होस्ट नहीं मिलने के अपना भोजन मृत कार्बनिक पदार्थ से ग्रहण करते हैं। इसका एग्जाम्पल है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब जो दूसरी विधि है या दूसरे प्रकार के बैक्टीरिया वो परजीवी बैक्टीरिया, ये भी दो प्रकार के, ओब्लिगेट पैरासाइड और फैकल्टेटिव पैरासाइड। ओब्लिगेट पैरासाइड यानी अविकल्पी परजीवी, और फैकल्टेटिव यानी विकल्पी परजीवी। ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता वो हमेशा परजीवी के रूप में जीवन यापन करते हैं। ऐसे बैक्टीरियों को हम अविकल्पी परजीवी बैक्टीरिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। और सबसे लास्ट है फैकल्टेटिव यानी विकल्पी परजीवी। ये सामान्यतः मृतोपजीवी होते हैं। जब तक इनको मृत कार्बनिक पदार्थ मिलता है तो ये अपना भोजन मृत कार्बनिक पदार्थ से बनाते हैं। जब मृत कार्बनिक पदार्थ इनको नहीं मिल पाता है तो ये फिर एक परजीवी के रूप में अपना जीवन यापन करते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्यूडोमोनास और स्ट्रेप्टोमाइकोकस। अब इन पूर्वों को याद रखने के लिए हम ऐसे याद रख सकते हैं सी बी की परेशान माइक ट्यूबरकुलोसिस, सी बी की बीवी क्लोस्ट्रम बोटुलिज्म, बेसिलस वल्गेरिस, ये वाला लास्ट पड़ा स्यूडोमोनास स्ट्रेप्टोमाइसिस माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और पीएस। यहाँ पे जो लिखा रहेगा ना यानी इसका अंदर इसका पीएस का मतलब हो जाएगा स्यूडोमोनास और स्ट्रेप्टोमाइकोकस। ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेशन यानी श्वसन के आधार पे बैक्टीरिया की दो प्रकार के बैक्टीरिया, एक तो एरोबिक और एक एनोरोबिक, वायु बैक्टीरिया और अवायु बैक्टीरिया। जो वायु बैक्टीरिया होंगे वो भी दो प्रकार के, एक तो ओब्लिगेट एरोबिक और एक फैकल्टेटिव एरोबिक। ओब्लिगेट यानी अविकल्पी वायवीय यानी जो पूर्णतः वायु होते हैं, वायु की अनुपस्थिति के अंदर ऐसे बैक्टीरिया जो मर जाते हैं यानी बिना ऑक्सीजन के इनका जीवन यापन संभव नहीं है। इसका एग्जाम्पल है एजोटोबैक्टर अविकल्पी वायु का। इसी प्रकार फैकल्टेटिव वायवीय यानी नॉर्मल कंडीशन के अंदर तो वायवीय होते हैं, लेकिन जब उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो ये अवायु श्वसन की क्षमता भी रखते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा डेयरी प्रोडक्ट्स के जितने बैक्टीरिया एसिटोबैक्टर एसिटाई। तो दूसरी कैटेगरी है अवायवीय, इसके अंदर दो प्रकार की कैटेगरी ओब्लिगेट एनोरोबिक और फैकल्टेटिव एनोरोबिक। ओब्लिगेट यानी अविकल्पी अवायवीय, ये पूर्णतः वायु होते हैं लेकिन इनके अंदर वायु श्वसन की क्षमता नहीं पाई जाती है। इनको जैसे आप ऑक्सीजन के अंदर दोगे तो इनकी मृत्यु हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल है क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिज्म। ये क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिज्म बैक्टीरिया बंद डिब्बों के अंदर वृद्धि करता है। इसी प्रकार अविकल्पी एनोरोबिक फैकल्टेटिव, सामान्यतः ये जीवाणु होते हैं जो अवायवीय होते हैं, लेकिन जब उनको वायु नहीं मिल पाती है तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर भी रह सकते हैं। इसका एग्जाम्पल एसिटोबैक्टर एसिटाई और क्लोस्ट्रिडियम टिटनी, ये दो बैक्टीरिया। अब हम जीवाणु में पोषण उपापचय की दृष्टि जीवाणु के अंदर बहुत सारी विविधताएं पाई जाती है, जो तीन प्रकार की मैंने बताई थी, स्वयंपोषी, विषमपोषी और सजीवी। पहली कैटेगरी इसके अंदर स्वयंपोषी, जो अपना भोजन प्रकाश ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा से बनाते हैं। ऊर्जा के स्रोत के आधार पर दो प्रकार के, प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी। तो पहला प्रकाश संश्लेषी, ये अपना भोजन प्रकाश ऊर्जा के उपयोग से बनाते हैं और ये नॉन ऑक्सीजनिक होते हैं यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन उत्पन्न नहीं करते, परंतु साइनोबैक्टीरिया ऑक्सीजीवी है। मैंने बताया था पृथ्वी के ऊपर सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया ने ऑक्सीजीवी श्वसन की
स्टार्टिंग की थी। यहाँ पर जल का प्रकाशिक अपघटन नहीं होता है। जल की जगह यहाँ पे मैंने H2S हाइड्रोजन सल्फाइड थायोसल्फेट एक अकार्बनिक पदार्थ आइसोप्रोपाइल एल्कोहल और फैटी एसिड से प्राप्त करते हैं। तीन कैटेगरी पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर और पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। ये इनके एग्जाम्पल पर्पल का क्रोमेटियम और ग्रीन सल्फर का क्लोरबियम एवं थायरिक्स और रोडोस्पायरिलम और रोडोमोनास पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। अब दूसरी कैटेगरी रसायन संश्लेषी, ऐसे बैक्टीरिया जो अपना भोजन रसायनों के द्वारा ग्रहण करते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं हम रसायनों का ऑक्सीजन करके जो ऊर्जा मुक्त होती है उससे अपना भोजन का निर्माण करते हैं, बैक्टीरिया रसायन संश्लेषी कहलाते हैं। इनको प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। यह प्रकाश संश्लेषी स्वयंपोषी होते हैं। इनके अंदर प्रकाश संश्लेषी वर्णक अनुपस्थित होते हैं, जैसे क्रोमेटोफोर ये इनके अंदर नहीं पाया जाता है। इनके भोजन के निर्माण के अंदर प्रकाश के स्थान पर रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं और ये जीवाणु रासायनिक ऊर्जा का ऑक्सीकरण से जो ऊर्जा निकलती है उससे अपना भोजन बनाते हैं। इसमें प्रकाश संश्लेषी जीवाणु नहीं है, यानी जो प्रकाश संश्लेषित वर्णक पिगमेंट क्रोमेटोफोर वो नहीं पाए जाते इन बैक्टीरिया के अंदर, और जो रासायनिक पदार्थ के ऑक्सीकरण करते हैं और उन्हीं से ऊर्जा का निर्माण करते हैं और भोजन बनाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल बताया था मैंने, नाइट्रिफाइंग जीवाणु, ये जीवाणु जो यानी कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं, नाइट्राइट बैक्टीरिया और नाइट्रेट बैक्टीरिया। नाइट्राइट बैक्टीरिया जो अमोनिया को नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट करते हैं और नाइट्रेट बैक्टीरिया जो नाइट्राइट को नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे तो दो एक बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रोमोनास और नाइट्रोकोकस, जो अमोनिया को नाइट्राइट के अंदर कन्वर्ट करते हैं, और नाइट्रेट बैक्टीरिया जो नाइट्राइट को नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने बताया था अमोनिया की ऑक्सीजन अवस्था 0, नाइट्राइट की ऑक्सीजन अवस्था +3। तो यहाँ पे ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के दौरान जो ऊर्जा मुक्त होगी इसे बैक्टीरिया अपना भोजन बनाते हैं। इसी प्रकार नाइट्रेट बैक्टीरिया अब यहाँ पे नाइट्राइट की ऑक्सीजन अवस्था +3 और नाइट्राइट की ऑक्सीजन अवस्था +5, तो ऑक्सीजन के दौरान जो ऊर्जा मुक्त होगी ये बैक्टीरिया उनसे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। अब दूसरी कैटेगरी विषमपोषी, अधिकांश बैक्टीरिया विषमपोषी होती है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते और अपने भोजन के लिए मृत कार्बनिक पदार्थ या जीवित जीवों के ऊपर आश्रित रहते हैं। जो मृत कार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें मृतोपजीवी से प्रोफाइटिक कहते हैं, और जो जीवित से अपना भोजन ग्रहण करते हैं वो परजीवी होते हैं जीवित ऑर्गेनिज्म के ऊपर। तो इन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं, पहला मृतोपजीवी या से प्रोफाइटिक बैक्टीरिया जो अपना भोजन मृत कार्बनिक पदार्थ से ग्रहण करते हैं, ये दो प्रकार के अविकल्पी मृतोपजीवी और विकल्पी मृतोपजीवी, ये दो प्रकार के अविकल्पी मृतोपजीवी और विकल्पी परजीवी। जो अविकल्पी मृतोपजीवी है इनके पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है, ये सदैव मृत कार्बनिक पदार्थ के ऊपर ही अपना जीवन यापन करते हैं। इनको हम पूर्णतः मृतोपजीवी भी कहते हैं, बेसिलस वल्गेरिस और क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिज्म इसका एग्जाम्पल है। इसी प्रकार विकल्पी परजीवी ये सामान्यतः मृतोपजीवी होते हैं, लेकिन जब मृत कार्बनिक पदार्थ नहीं मिल पाता है तो ये अपना जीवन यापन परजीवी के रूप में करते हैं। इसका एग्जाम्पल स्यूडोमोनास और स्ट्रेप्टोफाइलोकोकस है। इसी प्रकार दूसरी कैटेगरी परजीवी जीवाणु, ये अपना भोजन जीवित जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे ग्रहण करते हैं। इसकी भी दो कैटेगरी है, अविकल्पी परजीवी और विकल्पी मृतोपजीवी। अविकल्पी परजीवी यानी इनके पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है, ये अपना जीवन यापन हमेशा ही परजीवी के रूप में करते हैं। इसका एग्जाम्पल है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। और दूसरी कैटेगरी है विकल्पी मृतोपजीवी, ये सामान्यतः परजीवी होते हैं, लेकिन जब इनको कोई होस्ट नहीं मिल पाता है तो ये अपना जीवन यापन मृतोपजीवी के ऊपर रहकर करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब तीसरी कैटेगरी है सजीवी जीवाणु। सजीवी जीवाणु ये जीवाणु वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अंदर जो ऑक्सीकरण होता है उस ऑक्सीकरण से जो ऊर्जा मुक्त होती है उससे अपने भोजन का निर्माण करते हैं, जैसे अमोनियल नाइट्रेट अमोनिया को लवणों में परिवर्तित कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल है राइजोबियम जो लेगुमिनेसी कुल के पादपों की जड़ के अंदर सजीवी के रूप में जीवन यापन करता है। अब श्वसन के आधार पर बैक्टीरिया, पहला है एरोबिक या वायु जीवाणु। वायु जीवाणु दो प्रकार के, एक तो अविकल्पी वायु और दूसरा विकल्पी अवायवी। जो विकल्पी वायु बैक्टीरिया होगा, अविकल्पी वायु बैक्टीरिया यानी इनके पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है, ये हमेशा वायु की उपस्थिति में जीवित रहेंगे। ये पूर्णतः वायु होते हैं यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये बैक्टीरिया इन बैक्टीरिया की मृत्यु हो जाती है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एजोटोबैक्टर। इसी प्रकार विकल्पी अवायवी यानी इन बैक्टीरिया के पास में विकल्प होगा, ऑप्शन होगा, ये सामान्यतः वायु होते हैं, परंतु जब ऑक्सीजन की
तो इन बिना ऑक्सीजन के ये बिना ऑक्सीजन भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एसिटोबैक्टर एसिटा और क्लोस्ट्रीडियम टिटनी। इसी प्रकार दूसरी कैटेगरी है श्वसन के आधार पर बैक्टीरिया की अवायु जीवाणु, ऐसे जीवाणु जो यदि नॉन ऑक्सीजनिक होते हैं। इसकी पहली कैटेगरी है अविकल्पी अवायवीय, दूसरी है विकल्पी वायवीय। अविकल्पी अवायवीय यानी ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, ये हमेशा रहेंगे तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में रहते हैं, जो पूर्णतया अवायु वातावरण के अंदर रहते हैं। यदि उनको हम ऑक्सीजन दे देंगे तो इन बैक्टीरिया की मृत्यु हो जाएगी, यानी इन बैक्टीरिया के अंदर वायु श्वसन की क्षमता नहीं पाई जाती है। इसका एग्जाम्पल है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटालियम जो बंद डिब्बों के अंदर ग्रोथ करता है, जैसे अचार के डिब्बे के अंदर आदि। अब दूसरी कैटेगरी विकल्पी वायवीय, ये सामान्यतः अवायवीय होते हैं, लेकिन इनको यदि हम ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर रख दे तो ये वायु श्वसन की क्षमता भी रखते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा किण्वन करने वाले बैक्टीरिया डेयरी प्रोडक्ट। इसका एग्जाम्पल एसिटोबैक्टर एसिटाई को छोड़कर, क्योंकि एसिटोबैक्टर एसिटाई हमने ऊपर ले लेता विकल्पी अवायवीय के अंदर।